आज हमारे यहाँ स्पेशल गेस्ट हैं, बहुत स्पेशल हैं। मैं जब से उन्हें देख रही हूँ तब से सोच रही हूँ, अच्छा ये आप मनप्रीत हैं और आप हरप्रीत हैं, है ना? जी मैं मनप्रीत हूँ, ये हरप्रीत। मैं भी यही कह रही हूँ ना कि आप मनप्रीत हैं, आप हरप्रीत हैं। नहीं नहीं, मैं हरप्रीत हूँ, ये मनप्रीत है। आप हरप्रीत हैं, ये मनप्रीत है। ये मनप्रीत है, मैं हरप्रीत हूँ। तो मैं भी तो यही बोल रही हूँ। ये देखे छोटे से इंट्रो में कितना कंफ्यूजन इन्होंने यहाँ पर क्रिएट किया है ना। गौर से देखिए ना, एक जैसे लगते हैं। आप कौन हैं? हैं? मैं कौन? आप मनप्रीत हैं, आप हरप्रीत हैं। बिल्कुल। देखा, पहले भी मैंने यही कहा था लेकिन ये कंफ्यूज कर रहे थे। हाँ, और इन्होंने जिंदगी में कैसे कैसे सबको कंफ्यूज किया होगा ये मैं जानना चाहती थी। और आगे जब अपने हम सफर को चूज करने की बात आएगी वहां भी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे या फिर चुपचाप अपनी अपनी चॉइस बता देंगे, ये मैं जानना चाहती थी। और हमारे साथ मनप्रीत, हरप्रीत एंड गुरप्रीत। गुरप्रीत जी, वेलकम। थैंक यू मैम। आप इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं? ना ना, सीरियस नहीं है मैम, जस्ट लिटिल नर्वस। नर्वस? शादी की बात पे सारे नर्वस हो जाते हैं। यस मैम, हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही क्या। तो आप तो काफी टाइम से नर्वस हैं। नहीं नहीं, इतना दी गल नहीं है। एक्चुअली मैं थोड़ा जा लेट भी हो गया सी, मैं इस चक्कर जो मैं कहा कि थे प्रोग्राम। तो शादी कराने में भी लेट हो रहे हो, क्या चक्कर है? मैडम अपना वास्ता नहीं है ब्याह कराने च, हुण ज्यादा होना होगा उतना असी दा जस्ट एफर्ट्स कर सकते हैं। ओके, आप से भी बातचीत जारी रहेगी और आपसे तो मुझे लगता है कि फंक्शन होगा। अपने बारे मैं दसना चाहती हूँ कि जिन्ने ए नॉटी दिस रहे ने उन्हें शायद संजीदा भी ने, बिकॉज दे बोथ आर इन टीचिंग प्रोफेशन। दे बोथ हैव डन PhD एंड कभी कभी ये एक की क्लास में दूसरा और दूसरे की क्लास में भी चले जाते हैं। एंड दे हैव डन PhD इन जूलॉजी एंड बॉटनी, और दोनों बनूड में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद कॉलेज। स्वामी विवेकानंद कॉलेज। तो मैं पूछना सीगा कि पेपर जिन्ने सारे किते ने ओ इको ने किते ने या दो ने किते ने? हाले तक दे साडी क्लास इकट्ठी सी जी। हाँ। तो ओ फिर ओ दो रोल नंबर हुंदे, एक बंदा दो रोल नंबर ते बैठ नहीं सकदा। ते तुसी इस तरह नहीं किता भाई एक एक सेक्शन चला जाए दूजा दूसरे, हमेशा इस तरह दी जिद नहीं कीती गी? नहीं, असी थोड़े शुरू तो इंटेलिजेंट रहे, दोनों इंटेलिजेंट है। अच्छा, ता करके मतलब पूरी क्लास ते आपा भारी पैना? बिल्कुल बिल्कुल। हां जी, एक सेम क्लास होने करके भी इदा नहीं होया कदे भी, टीचर नूं पता लग जांदा सी। टीचर नूं पता लग जांदा सी? वैसे मैनूं लगदा भी औखा ही पता लगदा होएगा। हैं ते मैं पेरेंट्स नूं तुसी किस तरह परेशान किया होएगा? मतलब एक नहीं मानते यहाँ तो दो एक जैसे हैं। हां नहीं, ऐसे कैसे माना? बीबे बच्चे सी, शरारत। बीबे बच्चे सी हुण भी बीबे हैं, हुण भी बीबे। ये सबसे जो कहते हैं ना, मैं सबसे सीधा सदा हूँ, वो ही सबसे ज्यादा नॉटी होता है, है ना? दोनों में ज्यादा नॉटी कौन है? ये आप बिल्कुल मानते हो? आप बिल्कुल, कोई शक नहीं। बड़ा कौन है तो छोटा कौन है? बड़ा भी मैं, ये दो मिनट बड़े, दो मिनट बड़े। उन्होंने कहा असि मान लिया। पता किसी ने नहीं है? पता नहीं, बिल्कुल किसी ने नहीं पता। वैसे तो ट्विन्स दे विच की बड़ा छोटा जी। हां तो पर कर दे कहंदे भी तू बड़ा है, तू हुण ब्याह दी गल चली है, मैनू जेठ बनाउण नूं फिरदे होर कुछ नहीं। बस मतलब शुरू तो उन्हें डिसाइड कर लिया भाई बड़ा कहना, बड़ा कहना तां बस जेठ बनाउण। बिल्कुल नहीं, आपां बन्नू तैयार नहीं। अच्छा तुसीं कहंदे नहीं? मैं तां करे कह रख्या आपां नहीं जेठ बनदे। अच्छा, जो सेम है जी, इको जाइगोट है ते सेम उम्र है, सब कुछ सेम है, मैं बड़ा किवें हो गया? दो मिनट बड़ा कोई बड़ा थोड़े ना। बिल्कुल जी, दो मिनट लग जाते हैं। और की जी, बस पर फिर भी अब आप बड़े, तो इस बात के पीछे आप लड़ते हो घर में कि नहीं मैं बड़ा नहीं? बहुत ज्यादा मतलब ये होता है, जिद होती है कि मुझे बड़ा नहीं कहना, बस मुझे बड़ा नहीं कहना। पहला नहीं लड़ता सी जी। नहीं ये ना जी, ये थोड़ा जा ऐ सी, जदों ना प्रोग्राम ते आंदा कि अपन ब्याह शादी आंदा सी, फादर साहब है नहीं,
ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੱਡੂ ਪੇੜੇ ਇਹੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆਰ ਇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਘਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਏਜ ਆਪ ਜਿਮ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੈ ਯੈਸ ਮੈਮ थोड़ा मुझे गुरेज है कि आप जिम इंस्ट्रक्टर हैं और आप थोड़ा रिलक्टेंट होकर के बैठे हैं मैं बहुत जिम से भी हूँ और मुझे मतलब फिटनेस के मुकाबले में जब बात होती है ना तो बहुत सारी चीजें हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो आप मुझे ये बताइए कि आपने शादी मतलब के लिए कब सोचा और आपके दिमाग में जब आप शादी की बात करते हैं तो क्या लगता है मतलब होता है ना कि शादी कोई कहता है शादी मैंने नहीं करनी शादी है ना और कोई कहता है कि करेंगे तो सही देखते हैं अभी कब होगी तो कैसा वाला आपके दिमाग में आता है मैम हले तो ब्याह दा उदा इदा कदे दिल चो गल नहीं आई कि ब्याह कराना ही है 34 एज हो गई है घर वाले ने जब मैं 23 साल दा सीगा तातो घर वाले कहन स्टार्ट कर दिता सी हाँ इन्हां ने कहना स्टार्ट करता सी कि ब्याह करा लिया कुड़ी लभ लैने कुड़ी देखी भी एक दो पर उदा गल नहीं बनी यानी बस फिर उतरो मैं भी ज्यादा फोर्स नहीं किया घर वाले ने हाँ करा दो अब आप फोर्स करते हो नहीं मैं हुण भी मैं फोर्स नहीं करता ब्याह बारे के बीच-बीच में सुनाता रहता हां के हम घर वाले बड़े है वो कहणगे हां सानू सुनना पैणा सी छोटे हैगे तो आपको क्या लगता है कि लाइफ में शादी कितनी इंपॉर्टेंट है मैम देखो मैं तो ब्याह तो एक बार ही होता है जिमें एक बार ब्याह होता है तो मेरा हले तक होया नहीं मैंने इस बारे कोई एक्सपीरियंस नहीं है मैम तुसी मम्मी नु पूछा भी नहीं कि ब्याह कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ च नहीं मम्मी नु ज्यादा टाइम होर सी वो स्ट्रगल भरिया टाइम सी हुण आज दा टाइम कुछ होर है हुण मैं मेरी हां काफी चेंजेस है मैं 34 एज हैगी है हुण अज तो 50 साल पहला की सी ते अज दे टाइम च की है फैसिलिटियां भी वध गईयां खर्चे वध गए सो गल्लां हुंदियां तब आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी हो जाएगी तो शादी हां ये गल तो मैं सोचदा ही हां मैं कह रिस्पांसिबिलिटी वध जुगी आप ही ऐसे ही सोचते जिम्मेवारी तो बढ़ती है नहीं जिम्मेवारी तो बढ़ती है लेकिन जब जिम्मेवारी बढ़ती है तो हमें खुद में मान भी होना चाहिए कि अरे हमारी जिम्मेवारी बढ़ रही है और हमको मतलब उस जिम्मेवारी के लिए आगे आगे भी आना चाहिए ना कोई भी जिम्मेवारी हो कि नहीं जिम्मेवारी उठानी नहीं वो तो है एक पहिया औखा रुड़ दे दो पहिया सौखा बन ते तो सीता वैसे ही दो पहिए एकदम है असी चार हो जाएंगे साडी कार बन जूगी तुसे तो पिंड ना पूरा मतलब वैसे भी मैं लगता है कि थोड़े ना कोई बंगा था नहीं लेना होना पिंड नहीं तो बीबे बच्चे बीबे बच्चे हो है शुरू तो तुसी मतलब एक्चुअली बीबे बच्चे हो या सिर्फ मैनू कह रहे हो कि ना से बीबे बच्चे नहीं नहीं जी सियाने है शुरू तो बचपन तो ही पैदा होन तो पहले सियाने सी पहला ही सियाने सीगे ते तुहानू लग्या नहीं कि भाई अन्ने सियाने आपा हैगे कमली जी दुनिया च आपा की कर रहे हैं दुनिया ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀਂ ਜੱਗ ਤਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੱਗ ਤਾਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹ ਤਾਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਡ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਗੁੱਡ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਣੀ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਾਂ ਵੀ ਟੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ 9 to 9 to 5 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਦਮ ਇਨੋਸੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਣੀ ਵਾਲੀ ਇਨੋਸੈਂਸ एक गल मैं थोनों पूछना चाहती हाँ कि थोनों कदे कदे इस तरह नहीं फील होंदा कि इधर शीशे मुरे भी मैं ही हाँ उधर भी मैं ही हाँ नहीं कदे कदे लग जांदा कदे कदे लग जांदा मैं तो इत्थे बैठा मैं ही तुरया फिरदा मैं ही तुरया फिरदा रोज नहीं होंदा कदे कदे लगदा भी मैनू इह अपने वर्गे वाला लगदा बिल्कुल वैसे सानू एक दूजे बहुत डिफरेंस लगदा पर कदे कदे होंदा ते ज मतलब जे थोनों कदे कदे अपने आप नू इक्को वर्गे लगदे ते बाकी डेफिनेटली जिहड़े देखदे ने उहनां तों उहनां नू तां इक्को ही वर्गे लगदे हां जी तां थोनों कदे इस तरह नहीं होया कि भई हां ठीक है अज
ਬਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀ ਔਰ ਕੁਛ ਕੁਛ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹੋਣਗੇ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾਏ ਹਾਂ ਜੀ ਜੈਸੇ ਫਾਇਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਮੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚਾਹੀਏ ਜਾਂ ਕਹੀਂ ਪੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਜਿਹਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਬਹ ਨੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਜ ਜਲਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਈ ਜਾਣਗੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਓ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਖਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾ ਲੂੰਗਾ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਖਾਣੀ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਤਲਬ ਅਬ ਆਪਨੇ ਮੁਝੇ ਯੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿਆ ਕਿ ਬੀਬੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੋ ਅਬ ਮੈਂ ਨਾ ਤੋ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੂੰ ਲੱਗ ਰਹਾ ਨਾ ਬੀਬੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਝੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੋਰ ਫੇਸਿਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਭੀ ਜੈਸੇ ਹੋਤੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਮਨ ਮੇ ਖੂਬ ਖੂਬ ਕੁਛ ਬਾਤੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੋ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੇ ਮੁਝੇ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕ ਲਿਖਤੇ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲਿਖ ਲਈਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਗੁਣਗੁਣਾ ਲਿਖਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਣਗੁਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਬਤਾਨਾ ਹੈ ਇਨਕੀ ਬਾਤ ਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗੀ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾ ਲੇਤੇ ਹੈ ਇਨਸੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਤਾਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਤਾਈਏ ਆਪਨੇ ਠੀਕ ਕਹਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆਪਕੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕਿ ਆਪ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਡਮ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਕਹੀਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜੋ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਮ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਡਮ ਮਤਲਬ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਡਮ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਪੈਦਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਪੈਦਲ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਜਦ ਆਪ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਵਾਲੀ ਸੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਕਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਮੈਡਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਬੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੈਦਲ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟਿਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਦੀਆਂ ਓ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਜਬ ਚਲਾਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਟਨੈਸ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯੈਸ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਸਾਈਕਲ ਸਭ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋਟ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਥੋਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਥੋਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕੀ ਥੋਟ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਹਾਂ ਬੜੇ ਆਪ ਹੋ ਫਾਇਦਾ ਆਪ ਇਨਕਾ ਪੂਰਾ ਉਠਾਤੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਬ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਰੋਬ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਰਿਜ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ ਜੀ 28 ਤੋਂ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥੋਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਦੇਖੋ ਥੋਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਫਾਕਨ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਨਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸਕਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਝੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਤਾ ਹੂੰ ਐਸੇ ਟਾਈਪਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੜੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਉਹ ਚੱਕਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਜੀ ਕੁੱਛੜ ਕੁੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਟੰਡੋਰਾ ਅੱਛਾ ਕੁੜੀ ਘਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਓਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਥੋਟ ਮੇਰਾ ਅਰੇਂਜ ਹੀ ਹੈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੈਮਲੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧੱਕੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹਮਨੇ ਕਬ ਐਸਾ ਕਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਲੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੈਮਲੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਕਾ ਤਾਂ ਅਰੇਂਜ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਰੇਂਜ ਹੈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ आपका अरेंज था आपका लव मैरिज था नहीं नहीं मेरा लव मैरिज है इसका अरेंज मैरिज मनप्रीत हरप्रीत नहीं नहीं हरप्रीत मनप्रीत ये कैसे ये आप बाहर गए थे ना तो हमने थोड़ी बताओ नहीं नहीं ये मनप्रीत ये हरप्रीत ना नहीं नहीं ऐसी सिर्फ आ चेंज किया जैकेट और कुछ नहीं मैं मनप्रीत मेरी अरेंज मैरिज हो रही है तुसी मेनू ना गाना पवा दो करू मेरे करू देखो अब आपने जैकेट चेंज की आपने पहचाना इनको देखो नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो आप मनप्रीत आप हरप्रीत नहीं बड़े मारे जी सौ लगे मैं हरप्रीत ये मनप्रीत सिर्फ ये चेंज किया है और कुछ नहीं पक्की बात हाँ। पक्की गल तो फिर ऐसे आपने जैसे अभी मुझे एकदम से कंफ्यूज किया तो आपने और कैसे कैसे कब कब कोई कोई इंसिडेंट के आप मतलब कोई मैरिज से रिलेटेड हो चाहे ना हो कैसे कैसे किस किस को कंफ्यूज किया कोई एक दो इंसिडेंट नहीं बच्चे कंफ्यूज होते रहते जी असि नहीं करते अपने आप ही हो जाते बच्चे इसकी प्रैक्टिकल फाइल होती है मेरे को ले आते हैं पंजाबी पंजाबी मेरी प्रैक्टिकल फाइल होती है इन्हें को ले आते हैं वो मैम हिंदी बोलते ना नहीं तुसी साडी निकल आंदी प्रॉब्लम है अच्छा आदर बठिंडे वाले दी ना जदों कोई सामने वाले हिंदी बोलदा सानू हुंदा वी असि भी हिंदी के बाहर कढ़ दे बस पर निकल दे कढ़ तो नहीं पाते आप नहीं 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 कैसे कैसे मतलब कहते हैं कि दुनिया के मजे लिए कंफ्यूज कर कर के जी सानू पहले भी दसया जी बाले बीबे हैं नजाए जी जिमे निरे रब वर्गे हैं हुन रब तो कुछ नहीं हो सकदा ए समझ लो रब पुंजे डिग पे ओ भी सने हिट जागे अपने आप ही लोग तंग रहिंदे आ साडे तों कंफ्यूज होण दी लोड़ ही नहीं अगला उही खज्जल होई जांदा आपां नूं की लोड़ है जी
है ना, तो जब खज्जल होता है तो आप थोड़ा उसकी मतलब उसके कंफ्यूजन को दूर करते हो या बढ़ाते हो? एक बार हुआ सी, पंजाबी यूनिवर्सिटी असी रेडी रूम च बैठे पढ़ी होंगे सी, एक मुंडा नीचे पढ़ रहा सी, मैं उपर सी होस्टल, वो बंदा नीचे रेडी रूम च पढ़ी सुनो ऐसी नीचे बैठा, उपर पानी पीने गया, मैं उपर सीगा, वो नीचे फिर आया पानी पी के, ये फिर अंदर बैठा सी, उसका दिमाग घूम गया, वो कहता एक बंदा दो जगह किवें हो सकता, उन्होंने नैक्सट डे पता लग गया भी ये दो ने इको जने, अदरवाइज लोग बहुत कन्फ्यूजन रेंदे आ। जो असी नवे नवे यूनिवर्सिटी गए उदों साडे मेरे सीनियर सी, मैं जो डिपार्टमेंट जाना उन्होंने वधिया मिलना, वह कदे कदे इन्हू देख लेंदे सी, इन्हों जानते नहीं सी, मैं चुप करके लंघ, ये चुप करके लंघ जांदे सी, वह कहते बड़ा एरोगेंट बंदा यार, भी यार जदों डिपार्टमेंट च मिलता वधिया मिलता, जो बाहर मिलता बुलाउंदे नहीं। गुरप्रीत से थोड़ी सी बात करते हैं। गुरप्रीत, हाँ जी, आपको अपना नेचर कैसा लगता है? नेचर में मैं उदां दा मैं साइलेंट ही हां, चुप ही रहना, कोई गल करदा तां मैं अग्गे गल करदा, अदरवाइज मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहुंदा किसी ने, डिस्टर्ब करदा कम बात, घट गल करदा यानी। तो लड़की आपको ज्यादा बोलने वाली पसंद है या कम बोलने वाली? नहीं, ओदा कोई चक्कर नहीं है, वो घट बोले वध बोले मां मिल जे बस, कहने का मतलब यह है कि जिमें साडा कम्युनिकेशन बनिया रहे यानी, समझे यानी, नहीं तो आपा दो वे रुस बैठे था मनाऊ कौन में, सही गल है ना, वैसे सही गल है, वध बोलने चाहिए जी, जो बंदा घट बोलता उन कुड़ी वध बोलने चाहिए, हां बैलेंस करने के लिए, बैलेंस बना रहे ताकि एक सुन रहा है, ये बैलेंस बनाया ना, तो आप दोनों एक दूसरे को ऐसे पंजाबी में कहते हैं ना, लामे भी देंदे हो कि तू बहुत बोलना है, मेरे मेरे वर्गी शक्ल कर के तो है, मैनू इस तरह करी जांदा है, मैनू इस तरह करी जांदा है, ऐसा बोल कदे कदे कह देंदे जी, भी सेम शक्ल लेके जम पिया, कोई होर चक लिया हुंदा उत्थे नहीं पंगा, वो है जी, ते फिर यार दोस्त करदे जी, यार दोस्त करदे रहंदे आ, वो मैनू कहते तेरे नाल की गल करनी, ते तो शक्ल सेम है, तैन तो अपनी शक्ल भी नहीं लैके, तू इहदी चक लिया, वो कदे कदे कह जांदे आ। तो आपने सबको बता रखा है कि वो दो मिनट बड़े हैं, आप ही कंफ्यूज हो गए हो कि है कि है बचपन ओदे बारे छोटे हुंदे जो जम्मे जम्मे सी उदों हो गए होवे तां पता नहीं जी, पहली वार देखिया होना ओदे ते मम्मा दस देनी है, नहीं जी उन्होंने कदे इदां दी कोई गल नहीं कीती वी तुसीं बचपन च छोटे हुंदे इक दूजे नूं देख के कन्फ्यूज हो जांदे सी, आपने कभी आज ना पता नहीं कभी आपने ये सवाल पूछा हो या नहीं? नहीं, दवाई कहंदे वी जे दवाई दिंदे सी ना ते इक नूं देती ते पता नहीं चलदा सी किहड़े नूं देती, हां छोटे हुंदे ओ कई वार इक नूं दो दे दिंदे सी, दूजी डोज वी दे दिंदे सी, ऐदां हुंदा रिहा, जिवें तुसीं कदी चुटकला सुणदे वी इक बच्चे नूं नवाउणा सी दूजे नूं फिर उसे नूं नवाता, ओ साडे नाल होया, ओ साडे नाल हो सकदा जी, छोटे छोटे जदों ज्यादा छोटे सी उदों होया होवे, वैसे जो असि छोटी सी जी मेरे तो एक दाग दिख रहा होना इधर है ना, वो जमांदरू है जिम्मे अपना बर्थमार्क है, कंफ्यूजन कम करने के लिए जी, वो करके कंफ्यूजन शायद उदो घट हो गई, वो मैं लत मारी सी ओदे करके कंफ्यूजन शायद उदो ना होंदी होवे, उस तो बाद जो असि थोड़े बड़े होए तो मैं जी थोड़े केस रख ले सी, तो टेंथ तक फिर पहचान सौखी हो जाती सी, ਜਿਵੇਂ ਮੋਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਟਾਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਲੋਕ, ਹਾਂਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲ ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕੈਸੇ ਕਨਫਿਊਜ਼, ਅਗਲੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਅਗਲੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਛਾਣ ਲੂਗੀ, ਦੇਖੇ ਯਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਚਾਹ ਸੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਝੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪੇ ਬੁਲਾਏਗੇ, ਅਗਰ ਹੋਈ ਤੋ अभी तो आपने कहा कोरोना नहीं, कोरोना पिछड़ कोरोना ये शादी क्या, शादी तो कर ही रहे हैं अभी भी, तो कम लोग आ रहे हैं, वो साडे वाले कहंदे तू उंदला के ना करनी है, कट करना फुल जलम जलम कर देना कहंदे, तो कोई ना अगले साल, हां अगले साल, अगले साल जरूर बुलाएंगे, ठीक है। और गुरप्रीत, हां जी, और आपका भी जब शादी तय हो जाएगी तो हमारे शो में आकर के जरूर बताइए, बिल्कुल मैम, बिल्कुल दसांगे, हाँ जी, मैं उन्होंने भी लावांगा जिना साडा मेरा लाइफ पार्टनर होगा, ओनू भी नाल लेके, और लाइफ पार्टनर को हमेशा थोड़ी ज्यादा बोलने वाली ढूंढ लेना, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ताकि बैलेंस बना रहे, हाँ जी हाँ जी, सही कह रहे हो, जी लग गया रहता है, जी लग गया रहता है, जी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਲਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਜੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।
और एक्चुअली मैं कहूँ कि मुझे आप लोगों को देख के सच में बहुत अच्छा लगा और डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. और जो आप कहते हैं कि आप बीबे हैं, और थोड़ी सी मैं अगली बार बुलाने से पहले आपकी रिसर्च करोगे हमारे ऊपर, रिसर्च करके ही फिर आप ये नहीं ना कह पाओगे ना जी पीएचडी थी सही. हाँ, नहीं फिर आप मुझे ये नहीं ना कह पाओगे कि हम बीबे हैं, फिर मैं सारी पोल खोलूंगी. खोल दो जी, कोई चक्कर नहीं, जो कुछ मिलूगा तो खोल दो. कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना, बिल्कुल. रब कहना जाओ तुसी थोड़ा जा ना जाके मेरा काम कटाओ, है मेरे पीछे सारी दुनिया पई है, तुसी जाओ तो इन्हां नाल गल करो फिर. बिल्कुल बिल्कुल जी, इस तरह बिल्कुल. चलिए इदां ही. और हमारे व्यूअर से आपने कुछ कहना हो तो आप कह सकते. बस यही है जी, जिंदगी है इनू हासी खेडियां च लंगाओ, है ना. टेंशन अपने रोज दे काम कार तो चलते रहने, एक पासे जिन्ना तुसी लाइट रहोगे उन्ना ही तुहाडे वास्ते फायदा, तुहाडी फैमिली वास्ते भी फायदा. बस हस खेड के लंघ जानी है, चार दिन हैगे. सेम जी, नज़ारे लो, बोले लुटो. मुझे सच में ये पूछना है कि एग्जाम में कॉपी कौन लेके आता था आप में दोनों? चलो तुसी मान लिया भी एसी साडी ना एमएससी अलग अलग है, सेम सब्जेक्ट नहीं है. चलो बीएससी तक तो मान लिया भी अपना सेम है. पहले पहले तो गल तो सुनो, बीएससी तक तो चलो साड़ी स्टडी सेम सी, चलो मनिया भी इन्हें इनू कॉपी कर लिया, नंबर परसेंटेज सेम आती सी, बिल्कुल ही कोई फर्क, एक अद्धे नंबर का की फर्क पै जाए, नहीं तो सेम परसेंटेज. एमएससी का डिपार्टमेंट अलग अलग, सब्जेक्ट अलग अलग हो गए, परसेंटेज सेम है. वेरी गुड, परसेंटेज सेम है, कुछ भी फर्क नहीं, सेम परसेंटेज 73%, 73%. तो कभी ऐसा भी होता है कि पढ़ाने इन्होंने जाना हो, आप चले जाते हो, दोनों सब्जेक्ट आप ही पढ़ाते? हाँ, प्लस वन प्लस टू चल जाने. और डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा गुरप्रीत आपसे भी बात करके. और मुझे गुरप्रीत के लिए सबसे अच्छी बात ये लगी कि देखिए दुनिया कौन से ज़माना कैसा है, तेज तरार भाग दौड़ है ना, हम ये कर लें हम वो कर लें, और इन सब में इंसान अपनी इनोसेंस भी खो देता है और इंसान अपनी एक जो होन जिसके लिए इस दुनिया में आया है ना, रियल बनने के लिए, वो सब खो देता है क्योंकि वो और नकली चीज़ों के पीछे भाग रहा है. तो आज जो हमारे तीनों गेस्ट हैं उसमें सबसे बड़ी खास बात ये रही कि तीनों रियल एकदम, है ना, दिल से रियल. जो बात वो कह रहे हैं चाहे कम बोलें चाहे ज़्यादा बोलें, लेकिन जो जितना भी तीनों के फेस पे जो एक इनोसेंस वो सेम, और रियल, और अपने दिल की बात खुल करके कहना. और जब हम अपने दिल की बात को खुल करके जिंदगी फुल ऑन पर कहेंगे तो डेफिनेटली जिंदगी का कोई अगर बटन ऑफ भी होगा तो वो दिख जाएगा कि कौन सा वाला ऑफ था और कौन सा वाला कैसे ऑन करना है. उसके लिए ज़रूरी तो सिर्फ यही है कि हमने और आपने मिलते रहना है इसके जरिए, और मेल के जरिए बात करते रहना है, अपने विचार हमारे गेस्ट को बताते रहना है, और हमारे गेस्ट की बातें जो छोटी छोटी जो दिल को छू जाती हैं वो आप सुन करके एंजॉय करते रहें, और ये हमेशा याद रहे, इस चीज़ का फील आप तक पहुंचता रहे कि ये हिंदुस्तान है, असल हिंदुस्तान ये है, असल पंजाब ये है कि जो दिल से बात करता है. वो अभी ऐसा ही है और ऐसा ही उम्मीद रहती है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा. टेक केयर.